रात बहुत हो चुकी है और जलपरी की हालत भी ठीक नहीं है। हमें उसे समंदर में छोड़ने के लिए कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। लेकिन अंश, इतने बड़े समुंदर में रहने वाली जलपरी एक छोटे से बाथरूम में कैसे रहेगी? होते ही ये लोग मुझे वापस छोड़ आएंगे, इसलिए मुझे जो भी करना है आज रात ही करना होगा। तुम्हें लगता है ये तरीका काम करेगा? ऑफ कोर्स पिया। और अगर किसी ने उसे देख लिया तो? कौन देखेगा पिया, आज रात की ही तो बात है। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? आपकी मदद ही करने आए हैं। अंश, अविनाश, ये ज्वाला सीधा यहां से राक्षस के पास जाएगी। ये तो सीधा मेरी तरफ आएगी, क्या करूं? मयंक, सामने से हटो, तुम इस ज्वाला का रास्ता रोक रहे हो। अगर मैं हिला तो ये अग्नि मेरे पीछे पीछे आ जाएगी और इन्हें पता चल जाएगा कि मैं ही राक्षस हूं। क्या करूं? मयंक, तुम्हें मेरी बात सुनाई दी कि नहीं? सामने से हटो। बस 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 बस, दो मिनट यहां लेट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर आराम कर लो, ओके? डैड, डैड, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। डैड, व्हाट? डैड, अनिया, डैड, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ। तुम्हारा प्लान शायद काम कर जाएगा। हाँ अंश, ये जलपरी यहाँ तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक हम इसे वापस समंदर में नहीं पहुंचा आते। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस छोटे से बाथटब में हिलने डुलने की जगह भी नहीं थी बेचारी जलपरी के लिए। बेवकूफ लोग, जो काम मुझे छुप के करना था वो अब मुझे सबके सामने रह के करना पड़ेगा। दूसरी बात, बस सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। इट्स जस्ट टेम्पररी ब्लाइंडनेस,
ओके? थोड़ी देर में हमारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हुआ कैसे? वो ज्योति स्तंभ अपने आप अचानक कैसे कर गया? मुझे भी नहीं समझ आ रहा डैड, हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कितनी बार किए लेकिन ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। कोई तो गड़बड़ जरूर है ना। आंधी आई ना तूफान, फिर भी गिर गया सामान, हुआ कैसे? इसका भी श्राद्ध हो गया। अरे आज का दिन ही खराब है, ये पता नहीं ये सब गड़बड़ कैसे हो रहा है। आई एम श्योर प्रोफेसर निशांत को मेरे ऊपर शक हो गया होगा, इससे पहले उनका शक यकीन में बदल जाए मुझे कील के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। का हुआ? कुछ बोले हो का? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरी बात हुई प्रोफेसर निशांत सर से, तो वो बता रहे थे कि ये तो तुम भी मुझे बता सकते हो, क्या कोई चीज किसी इंसान के शरीर के अंदर छुपी हुई हो तुम उसे निकालना जानते हो? गए तुम्हारे बगैर का खेल है। झूठ बोल रहे हो तो? नहीं सच बोल रहा हूँ। ये सच में बोले हैं ऐसा? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। गोली दे रहे हो तुम हमको। अगर तुम्हें नहीं बताऊं तो मुझे बता दो, मैं निशान सर को जाके बता दूंगा कि तुम्हें नहीं पता। अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। अब वैसे भी रीवा वंशी जी ने हमारी तारीफ की है, भरोसा किया है हम पे, उनके भरोसे का हम पूरा लिहाज रखेंगे, लाज रखेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। हम है ना, अगर मयंक ज्वाला के रास्ते में नहीं आया होता तो हम राक्षस तक पहुंच गया होता। लेकिन डैड वो ज्वाला रुकती नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने और नमन ने ज्वाला से काली शक्ति का पता मांगा था तब वो हमें लेके गई थी वहां पे, पर कहीं रुकी नहीं। एक सेकेंड, मयंक हमें कल ही मिला था और उसने हमें बता दिया कि राक्षस कहाँ है। आई मीन ऐसा कैसे हो सकता है कि राक्षस के बारे में हमें नहीं पता लेकिन उसे पता है? और वो ज्वाला भी उसके सामने जाके रुकी थी। करेक्ट, जबकि मैंने मयंक से कहा था ज्वाला के रास्ते से हटने के लिए लेकिन वो नहीं हटा, और उसी वक्त वो ज्योति स्तंभ गिर गया। इसका मतलब है कि मयंक ही राक्षस है। परमिशन खाली सावी जो उनकी बेटी है उनको और हमको है। आए, मिल गया। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर जादुई तरीके से कोई चीज छुपा दी गई हो उसे वो खुद ही निकाल सकता है, और वो भी उसके लिए जिसके साथ उसने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। अग्नि फेरे मतलब शादी की हो जिससे? हाँ, अग्नि फेरा का तो वही मतलब होता है, शादी। इसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है जल्दी बताओ। मत बताना नमन। तो तुम ही हो राक्षस। One more. इनमें से कोई एक मुझे इस जलपरी के शरीर से रिहाई दिलाएगा। माँ, मुझे बस एक आंसू बहाना है और मेरा वो आंसू इनमें से किसी एक को जिंदगी भर रुलाएगा।